सो तुम लोग जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे फाइनली वो वीडियो आ गई। एक सेकंड भाई, तू इधर आ। कौन मैं? हाँ तू साले, ये बता तू बड़का यूट्यूबर हो गया है हाँ? बता 10-10 दिन में तेरा एक वीडियो आता है हाँ? इतना बड़ा यूट्यूबर टेक्नो गेमर, वो इतना लेट वीडियो नहीं अपलोड करता जितना तू अपलोड करता है। बता भाई भाई भाई, टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है साले तेरे पास? एक बात ध्यान में घुसा लियो, टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए, समझा? और जा, वीडियो बना रहा है ना, बताना मत किसी को। गाइस, अब लोगों ने तू कुछ सुना तो नहीं ना? फिर तो ठीक है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसा क्लाइंट, जी हाँ एक ऐसा क्लाइंट जिसे आपका एपीएस कोई ना छोड़ो। सो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि माइनक्राफ्ट 1.20.2 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है माइनक्राफ्ट का, उसमें सोडियम कैसे चलाएं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक क्लाइंट बताऊंगा जिस क्लाइंट के जरिए आप सोडियम को चला सकते हैं अपने माइनक्राफ्ट में एंड एपीएस में। बाकी इस क्लाइंट को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना है, अपने पुजाओ लॉन्चर में जाना है। पुजाओ लॉन्चर में यहाँ पे न्यू फीचर आ गया है, क्रिएट न्यू, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑप्टिमम। ध्यान से देख लेना गंवारो, वरना बोलोगे कि भाई ऑप्टिमम मेरा आ ही नहीं रहा है, मैं डाउनलोड कैसे करूँ। अब सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर दो देखने के लिए मिलेंगे, ऑप्टिमम फ्यूज एंड ऑप्टिमम फ्यूज, दोनों सेम ही है बट, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है वो 1.20.2 के लिए काम करता है और ये बीटा है, और जो दूसरा है वो 1.20.1 के लिए ही सिर्फ काम करता है। सो आपको पहला वाला लेना है, बाकी आप लोग तो जानते ही हैं। अब MB आपका खर्च हो जाने के बाद आपको अपने पुजाओ लॉन्चर में आना है, यहाँ पर नीचे आओगे तो ऑप्टिमम फ्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन याद रख लेना, दिमाग में घुसा लेना कि आपको ये हॉली से बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, वरना वर्ल्ड क्रैश हो जाएगा। आपको जो नया रेंजर जिंक आया है उससे प्ले करना है या एंजल रेंजर से प्ले करना है तभी चलेगा। सो यहाँ पर मेरा गेम ओपन हो गया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरे में काफ़ी सारे मोड्स लगे हुए हैं। अब सभी मोड्स को बताने के लिए मेरे पास बाकी यही सभी मोड्स है जो इस क्लाइंट्स के साथ देखने के लिए मिलते हैं। बाकी वही नॉर्मल ही मोड्स है बट कुछ एक्स्ट्रा मोड्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि ये देखने के लिए मिलेगा, जिसके सेटिंग बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे एंड इनकी सेटिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी आप सेटिंग बताने लगेंगे तो अबे साले। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा गेम ओपन हो गया और मैंने VSL शेडर के साथ प्ले किया है ऑप्टिमम के साथ, एंड मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है बट थोड़ा सा लैग कर रहा है। लैग इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा 4GB का रैम है इसलिए, और अब तो 4GB रैम में तो गेम भी नहीं चलता, तो मेरा 4GB रैम में तो RTX चल रहा है। बाकी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ पर सेटिंग में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा सोडियम चल रहा है और सोडियम के ही सभी सेटिंग अप्लाई है, और सभी सेटिंग को मैंने लो ग्राफिक्स पर सेट किया है। और बैक करके यहाँ पर मैं मोड्स में जाता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हैं वही सभी मोड्स यहाँ पर भी अप्लाई हैं। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुप्ता जी, पुजाओ लॉन्चर का अगला क्रेज कब कराना है लोगों पर?